हत्या हुई थी एक महिला की, क्या है पूरा मामला? कल लगभग 3 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि रेड्डी में एक अज्ञात महिला का शव प्राप्त बरामद हुआ है। जब पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंच के जांच पड़ताल की तो पाया कि जो महिला है वो दिगवाड़ ग्राम दिगवाड़ थाना रेड्डी की निवासी है। और जब घटना स्थल का निरीक्षण करके पूछताछ की आसपास के लोगों से तो पाया गया कि उसका जो लड़का है, खुद का बेटा है, वो घटनास्थल से पहले मौजूद था पहले, और उस दिन के बाद से वो गायब है। सीडीआर और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर और पूछताछ की गई और साक्ष्य तलाशे गए तो उसमें पाया गया कि जो उसका लड़का है वो अपनी माँ के चाल चलन से थोड़ा परेशान था और उसको ये आशंका थी कि उसके परिवार में जो और अन्य बहनें भी हैं वो भी आगे जाके उसके अपने माँ की मजबूरी में या किसी व्यवस्था के कारण इसी राह पे चल सकती हैं, तो उसी कारण अपनी माँ के चाल चलन से परेशान होकर उसने अपनी माँ की हत्या करने का निर्णय लिया था। और वो बहुत टाइम से, बहुत समय पहले भी इस पर मन बना चुका था बट पहले किसी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और इसने परसों 20 तारीख को सुबह मौका पाकर अपनी माँ की घर में ही जो उसकी चारपाई का जो पाया था उसे सर पे मार के हत्या कर दी। सर, 24 घंटे के अंदर एंटी पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है, तो इसमें पुलिस अधीक्षक ने भी कोई इनाम की घोषणा? बिल्कुल, पुलिस अधीक्षक महोदय का उस पर लगातार हमें निर्देशन और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और पूरी टीम को उनकी तरफ से बधाई भी दी गई है। और रेडी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही जो आरोपी था उसको अपनी सूझबूझ से गुजरात में जो था गुजरात से बुला के उससे पूछताछ की और पूरे अंधे कत्ल का खुलासा किया। क्या माने? ऐसा उसको कई लोगों ने कहा था कि उसकी जो गतिविधियां हैं वो ठीक नहीं है उसकी माँ की, तो वो भी बहुत परेशान था और वो चाहता था कि उसकी माँ इस तरह की गतिविधियों में ना रहे, उसी कारण वो मानसिक तनाव और परेशानी के कारण उसने बदनामी के कारण उसने अपनी माँ की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।